Hello, students. How are you all uh, today? The topic is types of impulse, and uh, this is the part of neurophysiology in which we will study the uh, neuro n neuron physiology. Okay. And uh, what is uh, actually the uh, types of nerve impulse? There are actually two types of nerve impulse, and that is very important. According to the short notes, uh, usually aapke short notes may question jata hai, what is the difference between continuous propagation or continuous impulse, or what is the saltatory impulse or saltatory propagation? And these types of impulses are found in which type of neuron? Either it is present in myelinated neuron or either it is present in non myelinated neuron. So we have two types of neurons, we, we have two types of nerve impulses. The first type is continuous impulse, continuous propagation. When action potential

बिकॉज मैंने आपको पहले भी कहा था कि न्यूरॉन्स में क्या होते हैं सेल्स में क्या होती हैं इलेक्ट्रिकल विंडोज़ होती हैं इसके थ्रू या जंक्शंस भी हम कह सकते हैं गैप जंक्शंस राइट इसके थ्रू जो सेल्स हैं एक सेल पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन की तरफ जाएगा फिर रीपोलराइजेशन या रिफ्रैक्ट्री स्टेज की तरफ जाएगा हाइपर पोलराइजेशन की तरफ फिर दोबारा से रीपोलराइजेशन एंड देन ये पोलराइजेशन डीपोलराइजेशन की जो वेव है ये ट्रेवल करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन से तीसरे न्यूरॉन की तरफ राइट सो वट इज़ कॉन्टीन्यूस कॉन्टीन्यूस मीन्स के ऐसा न्यूरॉन जो कि नॉन माइलिनेटेड है उसमें क्या होगा कॉन्टीन्यूअस इम्पल्स होगी कॉन्टीन्यूस प्रोपोगेशन होगी कोई माइलिन शीट नहीं है कोई श्वान सेल्स नहीं हैं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा पार्ट नहीं है न्यूरॉन के ऊपर जो कि एज अ इंसुलेटिंग मटीरियल एक्ट करे यहाँ पर ओवरऑल द लेंथ न्यूरॉन का क्या है कंडक्शन प्रेजेंट है राइट सो वी कैन से दैट कि कॉन्टीन्यूस इम्पल्स आपके पास ऐसी एम्पल्स है जिसमें सोडियम और पोटाशियम आइन्स मूव कर सकते हैं एक्शन पोटेंशियल जो है वो वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी यानी जंपिंग मैनर में नहीं बल्कि वेव की फॉर्म में ट्रेवल करेगी और ये वेव जो है वो कॉन्टीन्यूसली ट्रेवल करेगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ सेल बॉडी से एक्जॉन एक्जॉन से एक्जॉन टर्मिनल एक्जॉन टर्मिनल से दूसरे न्यूरॉन के डेंड्राइड्स राइट so we don't have any myelinated sheet so this type of impulse is continuous there is no hurdle and that type of impulse in which there is a continuous wave we can say this is the continuous impulse or continuous propagation propagation mean traveling of action potential over all the length of the neuron right